टंडन डीएसओ द्वारा दिया गया जिला कलेक्टर को ज्ञापन। ज्ञापन में मांग की गई कि शासकीय पीएलजी कॉलेज में एक प्राइवेट कंपनी द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जिसका नाम है पठारा के होके। वहीं इस कार्यक्रम में भद्दे गानों पर युवकों द्वारा डांस भी किया गया। वहीं छात्र संगठन द्वारा जब प्राचार्य से शिकायत की गई तो उन्होंने कहा कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं। छात्र संगठन का कहना है कि खुद प्राचार्य इस कार्यक्रम में मौजूद थे और उन्होंने खुद परमिशन दी थी। पूरा सहयोग दे और अब के प्रोग्राम को देखें। अभी मैं उनसे उम्मीद करता हूँ कि 2 बजे के बाद बच्चे और आएंगे जो कि प्रोग्राम को जारी रखें और लगभग 4 बजे तक बच्चे आते रहेंगे। महोदय, हम जानते हैं कि महाविद्यालय ज्ञान साधना के केंद्र होते हैं एवं यहाँ होने वाले प्रत्येक सांस्कृतिक कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों के नैतिक व सांस्कृतिक ऊर्जा उठाना होना चाहिए। ऐसे में अश्लील शब्दावली से भरे गीतों से यह स्तरहीन एवं उद्देश्यहीन कार्यक्रम महाविद्यालय में क्यों कराया गया? इस तरह के गोल कार्यक्रम छात्रों की रुचि कंपनी जिसका उद्देश्य मुनाफा कमाना एवं ग्राहक तलाशना है उसे ऐसे कार्यक्रम करने देना गलत है। इस तरह के गोल कार्यक्रम का कोई भी सामाजिक उद्देश्य नहीं है। हम जिला प्रशासन से वही फोटो प्रति श्रीमान जिलाधीश महोदय जिला गुना मध्य प्रदेश विषय आज यहाँ पर कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने के लिए सभी छात्र कॉलेज के आए हुए थे। आज गुना पीजी कॉलेज में एक प्राइवेट कंपनी हीरो के द्वारा 18 के हो गए इस तरीके का एक टॉपिक रखकर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया और उस टॉपिक में कई सारे बच्चों को फुहड़ गाने फुहड़ डांस वहाँ पर प्रस्तुत किए गए और जब ये पूछा भी गया प्राचार्य महोदय से कि इस तरीके का प्राइवेट कंपनियों के द्वारा जो कार्यक्रम किया जा रहा है वो किसकी परमिशन से किया गया तो उसमें प्राचार्य के द्वारा भी ये बताया जा रहा है कि हमको ये पता नहीं था कि इस तरीके के गाने आयोजित किए जा रहे हैं जबकि प्राचार्य उस कार्यक्रम में उपस्थित थे और उसमें बोलकर आ रहे हैं कि ये कार्यक्रम 4 बजे तक चलाना चाहिए। तो इस तरीके का कॉलेज के अंदर माहौल कि जिस तरीके का कॉलेज एक शिक्षा का केंद्र होता है जहाँ पर बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं और अपने भविष्य का निर्माण करने के लिए आते हैं लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा छात्रों के लिए भी कि इस तरीके के फुहड़ गाने फुहड़ डांस कॉलेज के अंदर कराया जा रहा है और इसमें प्रशासन की तरफ से कॉलेज प्रशासन भी इसको अनुमति दे रहा है तो ये बहुत निंदनीय है। आज यहाँ पर हम कलेक्टर महोदय से निवेदन करने के लिए भी आए थे कि आगे से इस तरीके के कार्यक्रम कॉलेज के अंदर ना किए जाए।